क्योंकि तुमने कहा था ना इतना जोर से बटन दबाओ कि झटका शाहीन बाग में लगे, इतना जोर से बटन दबाया शाहीन बाग ने उत्तरी पार का दिन हरा हो गया। आपने जो देश का हालात किया है वो तो आज बच्चे बच्चे और मेरे दादी नानी सब जानती है, जानती है ना सब। तो इसलिए एक शाहीन बाग के दादी दबंग दादी की वजह से आज देखे पूरे पूरे हिंदुस्तान पूरे जगह शाहीन बाग भी फैल गया और दबंग दादी और दबंग दादा दोनों फैल गए, दबंग दादी और दबंग दादा दोनों फैल गए। क्योंकि एक और आपको पॉइंट लिए हो गया, आप एक छह दिन का बच्चा थे ये देखे आज यहाँ सब बच्चे फैल गए, पहले ना एक कुर्बान हुए सौ आ गए, एक कुर्बान हुए लाख आ गए। तो सोचिए मोदी जी, तुम सोचते हो मेक को मारेंगे, हमारे लाख आ जाएंगे। क्योंकि आपसे तुम्हारा हर एक काम पीछे हो, आप हर एक काम उल्टा होगा। क्योंकि तुमने कहा था ना इतना जोर से बटन दबाओ कि झटका शाहीन बाग में लगे, कहा था ना, तो क्या हुआ आप जानते ही है। इतना जोर से बटन दबाया शाहीन बाग ने उत्तरी पार का जीना हराम हो गया, उत्तरी पार का जीना हराम हो गया। वो खुद कहता है एनआरसी लाके खुद पछताए, इसलिए तो किसी शहर ने कहा था तो मेरे अमित शाह एनआरसी लाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे हमारे उत्तरी पार एनआरसी लाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। इसलिए तो वो नींद की गोली खा के नींद में आते हैं, नींद की गोली खा के नींद में आते हैं। और उन्होंने कहा था ना, आपको याद होगा कि आओ शाहीन बाग से हम बात करेंगे। और जब शाहीन बाग गए ना तो उन्होंने रातें रात फोन से बोल दिया दिल्ली पुलिस अगर कोई आए तो वापस फेंक देंगे, वापस फेंक देना शाहीन बाग को। तो इसलिए तो दिल्ली पुलिस ने भी क्या किया, आगे उनका हथियार बन गया, हथियार बने ना। क्योंकि और जियो अंबानी कहते हैं कि चार कुत्ते भौंकने से पेपर नहीं आ जाएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम मान लिए चार कुत्ते नहीं, तीन तो सात करो कुत्ते मान लिया हम, और तू तो एक चूहा है क्योंकि तू बिल के अंदर ढूंढ के इंटरनेट से बात करता है। समझेंगे कौन कितना पावरफुल है, फिर कौन कितना पावरफुल है देख लिया जाएगा। हमें कहते हैं कुत्ता, अरे आप तो वो शेर है और शेरनी है जो इस बाग तक वो शाहीन बाग वो जेनियों जेनियों में उन बाहर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आज हमें पाकर फिर देख लिया जाएगा, तेरी गोली खत्म हो जाएगी हमारी दिल्ली में, तेरी गोली खत्म हो जाएगी पर हम नहीं कभी नहीं। ये बात याद रखना जियो अंबानी, और जो ये जो इतना इतराते हैं ये सिर्फ जियो हम चलाते हैं ना इसीलिए इतराते हैं, वरना अगर जियो बंद करते हम तो वे तो बंगाली बन जाते, बंगाली बन के यहाँ की भीख मांगते। और एक एक दिन एक कहा एक ने कहा था एक अंकल है कि आप लोग को एकदम रहना एकदम जज से ठीक है, अगर आपके पास मोदी जी आपके कर्मों पर गिर के भी बोल सकते हैं बेटा दे दे अब तो दे दे कागज, इतना कुछ कर देते हैं क्योंकि उन्होंने चाय बेच सकते हैं, जब उन्होंने कहा हम भीख मांग सकते हैं कुछ क्यों नहीं करते। लोग ना रियली में भीख मांगते हैं, बोले कहते रियली में मांगते हैं भीख, वोट देने का जब दिन आता है तो भाइयों बहनों आप हमें वोट तो अच्छे दिन आएंगे, आप हमें वोट तो अच्छे दिन आएंगे, पर हमने आपको आपके फेक को बहुत लपेट दिया पर आप नहीं मोदी जी, हम आपके फेक को वापस तोड़ लेंगे। तो फिर दिलीप को कहते हैं कि जंगे लड़ाई जो है हमारी महात्मा गांधी की जो बापू जी को पुकारते हैं हम जिन्हें बापू जी करके पुकारते हैं, तो वो कहते हैं कि महात्मा गांधी की लड़ाई जंगी लड़ाई थी वो कुछ नाटक थी। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ अरे भैया हमें गद्दार कहते हो, पहले खुद देख लो तो
एक बात समझ में नहीं आ रहा, अगर मान लिया हम नागरिकता होने का नहीं दे पाए सबूत, तो तुम हमें जो हम तैरते हैं वही तैर में भेज दो, वही तैर भेजो। डिटेंशन कैंप क्यों बना रहे? ये डिटेंशन कैंप इसलिए बना रहे कि इन्हें लगता है कि हम इनके उंगली पे नाचेंगे। अरे भैया ये बात याद रख लो, अगर जीत गए तो आजादी और हार गए तो सर पर कफन बांध के घूमते हैं। मौत से कभी डरते नहीं, हम लोग जब भी इस प्रोटेस्ट में आते हैं तो सर पर कफन बांध के आते हैं और अपने पेटों को भी लेके आते हैं। अगर जब जब हम शहीद होंगे तो अपने बच्चों को भी शहीद करेंगे। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ पार्ट सर्कस, पार्ट सर्कस की माँ बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको बता भी देता हूँ कि आप यहाँ 69 दिनों से बैठे हुए हैं उनके उसके बदले आपको मेरा सलाम। और ये जो पार्ट सर्कस है ना, उस वक्त इतिहास पर लिखा जाएगा, तारीख पर लिखा जाएगा कि हाँ एक पार्ट सर्कस था जो दिल्ली के बाद इनकलाब का नारा सबसे पहले उठाया था। दिल्ली के बाद इनकलाब का नारा सबसे पहले उठाया था और इस पार्ट सर्कस शाहीन बाग की वजह से पूरा हिंदुस्तान में शाहीन बाग फैल गया। आप जहाँ भी जाइएगा देखिएगा यही एनआरसी सीए एनपीआर के खिलाफ हो रहे हैं, एनपीआर सीए के खिलाफ, और हमसे सबूत मांगते हो। अरे भैया पहले तुम अपना तो सबूत दिखा दो फिर हमसे सबूत मांग लो, पहले अपना तो दिखा दो। जब हमारी दादी भी चैलेंज करती थी कि अपना सबूत दिखाओ अपना सबूत, तुम्हें इतने जनता टूक रहे हैं और तुम्हें क्या है, एनआरसी लागू करके रहेंगे, तुम्हारे जगह कोई और होता तो चुल्लू पर पानी में डूब मरता, चुल्लू पर पानी में डूब मरता, क्योंकि ये लोग तो शर्म को धो के पी लेते हैं, शर्म को धो के पी लेते हैं, इसलिए तो इन्हें कोई शर्म ही नहीं आती। और मोदी जी ने सोचा और तालिबान ने भी सोचा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम थोड़ा बेवकूफ है, उन्होंने सोचा, बोले कैसे सोचा कि हमने जो सब्र किया, क्योंकि अल्लाह और गीता दोनों कहती है, भगवान अल्लाह दोनों कहते हैं कि इन्ना मा साबरीन, ऐ लोगों सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ भगवान दोनों है, अल्लाह और भगवान दोनों है। इसलिए कैसे इन्होंने समझा कि हम ये, इन्होंने नोटबंदी की हम सब्र करते रहे, इन्होंने तलाके तलाका किया हम सब्र करते रहे, पर हमारे देश के ऊपर हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो उन्हें हम छोड़ते रहे। अगर कोई दुश्मन हमसे ज्यादा बढ़ जाए तो उन्हें छोड़ो मत, उनके काट के फेंक दो, और जो तुम्हारे देश के ऊपर उंगली उठाए तो उंगली काट के फेंक दो, वरना इसके वजह से समझ में आ जाए जो प्रधानमंत्री बने उन्हें समझ में आए कि हाँ ये हिंदुस्तान है, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो हो जाएगा मेरा भी पिट्टू, यहाँ अगर हम कुछ गलत करेंगे काला कानून हम भी लाएंगे तो हम भी पिट्टू हो जाएंगे, क्योंकि ये मोदी की भी नाम याद रखी जाएगी, बोलिए क्यों, क्योंकि इन्होंने भी जो हमें इतना सताया है तभी तो हमारा ये इतिहास भी लिखा जाएगा। हाँ एक नरेंद्र मोदी था जो काला कानून हिंदुस्तान से टकराया था और चूर चूर हो गया था, चूर चूर हो गया था, हिंदुस्तान से टकराओगे उसको कवर करेंगे। और मैं इसी शायरी से अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ कि तुमने जो देखा है ये तस्वीर नहीं है, तुमने जो देखा है ये तस्वीर नहीं है, इस्लाम के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है, हर मजहब का लहू है इतना शामिल, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, और गुलदस्ता बदल सकते हो मगर गुलाब नहीं, गुलदस्ता बदल सकते हो मगर गुलाब नहीं, वतन को तरक्की कर सकते हो, वतन की बदल सकते हो मगर संविधान नहीं, क्योंकि ये संविधान हमारे बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी की लिखी हुई है, ये संविधान राम प्रसाद बिस्मिल जी की लिखी हुई है, ये संविधान हमारे मौलाना अबू कलाम आजाद की लिखी हुई है, इन्हें तुम कभी नहीं बदल सकते, हम हिंदुस्तानी है और ये जानते हो, हम बच्चे होकर
सिपाही हो